एक दो सवाल हैं। एक तो जैसे हमारा फंड हमने स्टार्टिंग में डिविडेंड में रखा था और उसको फिर ग्रोथ में कन्वर्ट किया जी, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन कौन सी डेट गिनी जाएगी, जो ओरिजिनल डाला था या जिस दिन वो कैपिटल गेन में ग्रोथ में ट्रांसफर किया था जी। और दूसरा सवाल है कि जैसे दो होते हैं होल्डर्स और एक होल्डर फर्स्ट होल्डर सपोज वो डिमाइज हो गया तो सेकेंड होल्डर ऑटोमेटिकली कम्स विदाउट एनी अदर लायबिलिटी और इज देयर एनी प्रोसीजर फॉर दैट। थैंक यू सर जी। आपका जो पहला सवाल है कि आपने डिविडेंड से ग्रोथ में जब बदला जब चेंज किया जब स्विच किया तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गया और जो ये कन्वर्शन है ये एक ट्रांजैक्शन माना जाता है। आपका पुराना इन्वेस्टमेंट जो ओरिजिनल डेट ऑफ एक्विजिशन था और जिस दिन आपने इसको कन्वर्ट किया उस दिन एक ये ट्रांजैक्शन हो गया, आपने बेचा और उस समय तक का जो फायदा है उसको एक्नॉलेज करके और वो एक ट्रांजैक्शन हो गया। जिस दिन आपने नया पैसा लगा, आपका जिस दिन पैसा ग्रोथ प्लान में चला गया वो आपका नया इन्वेस्टमेंट है और अब वहां से अभी तक जो पैसा चल रहा है वो जब आप रिडीम करेंगे तो उस दिन से जब नया पैसा लगाया तब से अभी तक का ये एक दूसरा ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि ये डिविडेंड से जो ग्रोथ का जो स्विच है ये एक नया ट्रांजैक्शन माना जाता है, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। दूसरा कि जी हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको उनको केवल खबर करना पड़ेगा कि अब फर्स्ट होल्डर का डिमाइस हो गया और ये इसका ट्रांसमिशन एफर्टलेसली सेकेंड होल्डर के पास का हो जाता है।